हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस इंटरेक्टिव चैनल आशा स्पीच एंड हेयरिंग केयर में। मैं हूं डॉक्टर सुनील अरोड़ा और आप मुझसे बात करते हैं स्पीच हेयरिंग साइको बिहेवियर डिसऑर्डर्स पर। आज का टॉपिक, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डालें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आज का टॉपिक वही है जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को परेशान करता है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले के कई सारे वीडियोस में लिस्ट किया है, ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपका बच्चा अपनी बनाई एक शेल में रहता है। लाइट चली गई, लाइट आ रही है, वो किसी भी एक्टिविटी में अगर वो लगा हुआ है, आप उसे जितनी मर्ज़ी आवाज़ें लगाएं, चिल्लाएं, चीखें, वो आपको कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी शेल में रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, जैसे कहते हैं दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ADHD बच्चा होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ADHD अटेंशन डेफिसिट, इसे बाइफर्केट करते, तोड़ते हैं इसको थोड़ा सा, अटेंशन डेफिसिट यानी ऐसे बच्चों में अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। आप अगर कुछ सिखाने के लिए बैठे तो एक तरफ नहीं देखेंगे, इसको छेड़ेंगे, उसको छेड़ेंगे, इस सामान को हाथ लगाएंगे, उस सामान को हाथ लगाएंगे, लेकिन आपसे आई कांटेक्ट बनाएंगे, आपकी कमांड्स को समझेंगे, आपके बताए हुए कई सारे कामों को करेंगे। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो बोलते नहीं। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर 100% ठीक हो सकता है, लेकिन जो ऑटिज़म है उसमें लिमिटेड आप ट्राई कर सकते, बच्चे को सोशली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, नॉर्मल बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑटिज़म और ADHD को अच्छे से डिफरेंशिएट करें। अटेंशन डेफिसिट में क्या होता है कि आपने सिर्फ उसको एक ट्रैक पर डालना है, अपने बच्चे को ट्रैक पर डालना है। ज़्यादातर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आता है उन पेरेंट्स में जो ग्लोबल फैमिलीज में रहते हैं। मदर्स अपने घर के बहुत सारे कामों में बिजी होती हैं, वो क्या करती हैं कि बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए वो बच्चे को TV के सामने बिठा देंगी या फ़ोन दे करके बिठा देंगी ताकि बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ में लगा रहे, वो बाकी सारे कामों को कर ले। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अगर आप 2 साल 2.5 साल की उम्र में उसको पकड़ लें, ट्रीट करें, बड़ी जल्दी से सब चीज़ें, वैसे किसी भी डिसऑर्डर को जितना जल्दी पकड़ लें सब ठीक होता है। आप कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। नॉर्मली फैमिलीज़ में क्या होता है कि उसका बच्चा 5 साल का बोला था, उसका बच्चा 2 साल का बोला था, उसका बच्चा 6 साल का बोला था, आप ऐसी चिंता कर रहे हो, तो चिंता ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ना हो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से आपका बच्चा सीधा ऑटिज़म की तरफ चला जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में सब बच्चों के साथ अटेंशन डेफिसिट ही आता है, अगर उस समय उसको फोकस करके उसको पकड़ लिया जाए, उन चीज़ों को डायग्नोस कर लिया जाए तो सब ईजी हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको डायग्नोसिस में आपको लगता है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, बोलता नहीं है, आप ज़रूर कंसल्ट करें। आपके आसपास कोई स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं है तो आप मुझे मेरे नंबर 8168790299, 8168790299, ये इंडिया का नंबर है, जो बाहर से लोग कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं या वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं, वो इसके आगे इंडिया का इंटरनेशनल कोड ज़रूर लगा लें। इंडियन क्लाइंट्स के लिए मेरी कंसल्टेशन फ़ीस, ऑनलाइन कंसल्टेशन फ़ीस है 500 रुपये, और जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, जो इंडिया से बाहर क्लाइंट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़। तो सबसे पहले अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और ऑटिज़म में फ़र्क जान लें ताकि आप अपने बच्चे को प्रॉपर डायग्नोज कर पाएँ। मैं ट्रीटमेंट और थेरेपी के लिए भी आपको ऑनलाइन गोल्स दे सकता हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको जल्दी से आपके बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे मिल सकती है, आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं जैसे मैंने अपने नंबर्स बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मैं दूसरे वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। बाय बाय।